हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदु शिंगारी आपके एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपके साथ वास्तु की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आपको बता रही हूं कि घर अगर वास्तु के हिसाब से बना हो तो उसमें रहने वालों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अपनी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि वास्तु की मदद से तनाव से कैसे बचा जा सकता है। तनाव आज इतना आम हो चुका है कि लोग इसे बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं और कब ये तनाव या स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए समय रहते चीज़ों को ठीक कर लेना ही उचित रहता है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वास्तु की मदद से इस तनाव या डिप्रेशन को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहला वास्तु टिप, जिन लोगों को ज़्यादा सोचने की, जल्दी जल्दी टेंशन लेने की आदत हो तो उन्हें साउथ या वेस्ट फेसिंग घरों में नहीं रहना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस मंगल और शनि ग्रह की मानी जाती हैं। अब मंगल ग्रह गर्म होने के कारण कहीं ना कहीं गुस्से को बढ़ाने का काम करते हैं, तो वहीं शनि ग्रह इंश्योर करते हैं कि घर के अंदर परेशानियाँ बनी रहें। तो घर का चयन करते वक्त ध्यान रखें कि घर ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग हो तो बड़ा ही शुभदायी रहेगा। दूसरा वास्तु टिप, घर में तुलसी का पौधा होना वास्तु के हिसाब से बड़ा ही शुभ माना जाता है, और जिनको भी टेंशन या स्ट्रेस ज्यादा रहता है उन्हें रोजाना तुलसी को जल चढ़ाकर घी का दिया सुबह और शाम जलाना चाहिए। ऐसा करने मात्र से आप मानसिक तौर पर स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। तीसरा वास्तु टिप, घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए सुबह शाम कपूर में दो लौंग मिलाकर जला दें, इससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। चौथा वास्तु टिप, तनाव में रहने वाले व्यक्ति को कभी भी उत्तर या पश्चिम दिशा में, यानी कि नॉर्थ या वेस्ट डायरेक्शन में सर करके नहीं सोना चाहिए। सोते समय आपका सर हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये दिशाएं ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को तो ठीक रखने में हमारी मदद करती ही हैं और गहरी नींद लाने में भी मदद करती हैं। पांचवा वास्तु टिप, मन को शांत और मजबूत बनाने के लिए रोजाना प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने में हमारी मदद करता है और तनाव और चिंता के स्तर को कम करने में भी सहायक सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।